हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम जितेश शर्मा है। बच्चों की कक्षाएं बोर्ड समिति के द्वारा बोर्ड के पुराने विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन माध्यम संचालित की जा रही है। बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने दो दो थ्योरम पढ़ी थी और उसके हमने प्रूफ पढ़े थे, उसका स्टेटमेंट पढ़ा और उसके हमने गणितीय रूप को देखा। उसके बेस पर हमने 6.1, 6.2 के प्रश्नावली को हल किया। अब हम बच्चों 6.3 के अंदर चलते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास दो या तीन थ्योरम्स हैं, जिसमें से एक पहले थ्योरम ये कहती है बच्चों, यदि दो त्रिभुजों के, यहाँ आप बात हो रही दो त्रिभुजों में, अभी तक हमने पढ़ा था एक ही त्रिभुज के अंदर। अभी हमने जो दो थ्योरम पढ़ी वो कौन कौन सी थी बच्चों? हमने पहली थ्योरम पढ़ी थी, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए, प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए जो उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसी का उल्टा पढ़ा हमने दूसरी थ्योरम के अंदर, यदि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं में प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। हमने ये पढ़ा था, इसका गणितीय स्टेटमेंट, गणितीय रूप देखा हमने। इसके बाद में हमने इसके प्रूफ्स पढ़े और इसका एप्लीकेशन देखा। इसके साथ साथ ही बच्चों हमने एक दो टेस्ट भी किए, इसके साथ में दो टेस्ट कर लिए हमने जब भी हमने 6.2 पढ़ी थी। तो बच्चों मैं आपसे यही आशा करता हूँ, ये टेस्ट बार बार इसलिए हो रहे हैं कि छठी प्रश्नावली में एक दो बार और होंगे। इसका रीजन क्या है बच्चों? कि आप कंटिन्यूअसली अपनी प्रिपेयर को रखें, क्योंकि छठी प्रश्नावली को बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा छोड़ देते हैं कि चलो सर हो जाएगा नहीं होगा। बच्चों बेहद ही आसान प्रश्नावलियों में से एक होती है ये, ठीक, अगर हम डेली पढ़ते हैं तो, और हमारे पास जो भी हमारे पास थ्योरम्स है ये हमें प्रॉपरली आती है तो। वैसे एक क्वेश्चन थ्योरम का आएगा और एक क्वेश्चन क्वेश्चंस का आएगा, आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं क्योंकि अथवा के अंदर आते हैं। अब बच्चों अब ये बात ध्यान रखिएगा, अब हम अगले पे आते हैं 6.3 के ऊपर। जो कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं थ्योरम्स के वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, फिर हम बुक में से देख के उसको एक बार लिखेंगे। एक बार हम वर्बली हमें किस तरह याद रखना है वो भी देख लेते हैं और फिर हम उसे लिख लेंगे। उसके बाद में उसका प्रूफ जानेंगे हम और उसका गणितीय रूप जानेंगे, फिर उसका एप्लीकेशन अर्थात प्रश्नों को हल करते समय हमें उस थ्योरम का उपयोग किस तरह करना है वो भी हम जानेंगे। बच्चों अब जो थ्योरम आती है वो क्या आती है? अब बात करेंगे हम दो त्रिभुजों के लिए। अभी तक हमने बात करी थी एक ही त्रिभुज के अंदर, अब हम बात करेंगे दो त्रिभुजों के लिए। बच्चों ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुज की यदि आपको उनके संगत कोणों की माप समान दे रखी है तो उनकी जो भुजाएं होंगी वो समानुपाती होंगी। पहली थ्योरम तो ये है। दूसरी थ्योरम क्या कौन सी पढ़ेंगे बच्चों? यदि दो त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती हैं तो उनके संगत कोणों की माप, जिनके संगत कोणों की माप कैसी होगी बच्चों? समान होगी। बच्चों हमें बस यही दो थ्योरम पढ़नी है और इसी पे बेस हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब आप ध्यान रखिए बच्चों, हम आते हैं छठी प्रश्नावली के अंदर। छठी प्रश्नावली की थ्योरम नंबर 6.3 है, वो क्या दे रखी है? यदि दो त्रिभुजों के अंदर संगत कोणों की माप बराबर हो, क्या हो बच्चों? संगत कोणों की माप बराबर हो तो, अगर उनके संगत कोणों की माप बराबर है तो हम लिख सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होगी या फिर एक ही अनुपात में विभाजित होगी। बच्चों थ्योरम दे रखी है मेरे को ये TH, बस शॉर्ट फॉर्म में थ्योरम लिखा है मैंने और कुछ नहीं है। 6.3 वाली थ्योरम है, क्या दे रखी है? यदि यदि दो त्रिभुजों, जो बच्चों एकदम प्रॉपर लाइन है वो लिख लेते हैं, दो त्रिभुजों में संगत कोण, क्या बात कर रहे हैं बच्चों? दो त्रिभुजों में संगत कोण समान माप की हो तो ये चीज मुझे दी भी होगी, दो त्रिभुजों में संगत कोण यदि समान माप के हैं तो मैं लिख सकता हूं, क्या क्या लिख सकता हूं? तो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। आप चाहें तो इसे ऐसे भी ले सकते हैं, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी, दोनों ही चीज सेम है। अब बच्चों जब भी कोई थ्योरम होती है उसको पहले हमें हल करने के लिए सबसे पहले हमें उसे चित्रीय रूप में उसकी आकृति बनानी होती है। अब बात कर रहे हैं दो त्रिभुजों की, तो मैंने दो त्रिभुज बना लिए, ये लीजिए बच्चों पहला त्रिभुज और ये थोड़ा सा इससे बड़ा त्रिभुज,
अब इनके जो नाम है जो बुक में दे रखे हैं हम वही रखेंगे सेम। क्या नाम दे रखे हैं बच्चों? ए बी सी और डी ई एफ। ये आपको दे रखा है ए बी सी डी ई और ये है बच्चों एफ। अब बच्चों जो आपको दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोणों की माप समान, मान लेता हूं कोण ए कोण डी के बराबर है, संगत कोण है इसका, कोण बी का संगत कोण ई है, कोण सी का संगत कोण एफ है, तो इन सभी की माप कैसी है बच्चों? बराबर है। तो मैं लिख लेता हूं, माना माना इसका जो प्रूफ है या उत्पत्ति है, प्रूफ, माना त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं दोनों त्रिभुजों को माना, तथा तथा कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण बी बराबर है कोण ई के, वह कोण सी बराबर है कोण एफ के। अब बच्चों हम इसे प्रूफ कैसे करें? हमने ये तो लिख दिया कि कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण बी बराबर है कोण ई के, और कोण सी बराबर है कोण एफ के। अब इसे प्रूफ कैसे करें? अब जो हमने दो थ्योरम पढ़ी है, ठीक है, हम उनका यूज करेंगे यहाँ पर। अब उनका यूज कैसे करें? वो तो जो दो थ्योरम हमने पढ़ी थी वो तो एक ही त्रिभुज में होना चाहिए था। वो त्रिभुज तो कैसा होना चाहिए था? कुछ ऐसा होना चाहिए था। अब ऐसे त्रिभुज के अंदर तो हम अप्लाई कर देते कि एक रेखा होती जो त्रिभुज के दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में या फिर प्रतिच्छेद करती। अगर प्रतिच्छेद करती तो इसके समांतर होती, और अगर एक ही अनुपात में भज करती तो इसके क्या होती है? जो समांतर होती। अब यहां पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन दोनों थ्योरम्स को? तो बच्चों क्या करते हैं, हमको ये पता है कि कोण ए और कोण डी की माप बराबर है, कोण बी की माप और कोण ई की माप बराबर है, और कोण सी की माप और कोण एफ की माप बराबर है। अगर ये बराबर है तो मैं अगर इस त्रिभुज को यहां से उठाऊं और ए शीर्ष पर, सॉरी डी शीर्ष के ऊपर ए शीर्ष को मैं रखूं, तो कुछ ऐसा बनेगा ये। अगर मैं एबीसी को उठाता हूं यहां से और इसके ऊपर रखता हूं, ठीक है बच्चों, तो ये इसको कुछ ऐसा ढक लेगा। तो क्या हमारा प्रश्न लास्ट की दो थ्योरम जैसा बन गया? कहेंगे हाँ सर बन तो गया। अब इसके नाम बुक ने क्या दे रखे हैं, हम वो ही नाम ले लेते हैं। बुक वाले ने इसके नाम दे रखे हैं बच्चों पी और क्यू, पी और ये पी है और ये क्यू है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने क्या किया, एबीसी को यहां से उठाया और डी ई एफ के ऊपर रखा, परंतु ए शीर्ष को मैंने ए शीर्ष को डी शीर्ष के ऊपर रखा, तो क्या बना वो डी पी क्यू। तो ए बी सी और डी पी क्यू बराबर है, एक जैसे ही है, मतलब मैंने इसको उठा के यहां पर रखा है तो एकदम सेम से होंगे। अगर सेम होंगे तो एक दूसरे कैसे होंगे? मतलब ए बी बराबर है डी पी के, ए सी बराबर है डी क्यू के, और बी सी बराबर है पी क्यू के। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला बच्चों यहां पर ये दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांग समय। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं बच्चों? सर्वांग समय। तो मैं लिखता हूं अब या फिर पुनः पुनः माना। अब माना ही क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको उठा के यहां रखा तो मुझे नहीं पता वो पी बिंदु कहां तक होगा, तो मैंने उसको ए बी को मान लिया बराबर डी पी के है। किसके बराबर है बच्चों? डी पी के है। तो मैंने माना ए बी बराबर है डी पी के और ए सी बराबर है बच्चों डी क्यू के। किसके बराबर है बच्चों? डी क्यू के। अब क्या बी सी बराबर पी क्यू के होगा? तो आपका उत्तर होगा हाँ सर, जब रखा गया है तो बी सी बराबर किसके होगा बच्चों? पी क्यू के होगा। अब एक चीज और, अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये त्रिभुज कैसा होगा? ये त्रिभुज ए बी सी और डी पी क्यू कैसे है बच्चों? सर्वांग समय। कैसे है बच्चों? सर्वांग समय। तो त्रिभुज ए बी सी, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी पी और क्यू के, डी पी और क्यू के। अगर सर्वांग सम है तो कोण बी बराबर किसके है? कोण पी के। कोण सी बराबर है कोण क्यू के। तो मैं लिख देता हूं, अगर सर्वांग सम है तो संगत कोणों की माप कैसी होगी? तो संगत कोणों की माप कैसी होगी बच्चों? समान होगी। अगर संगत कोणों की माप समान होगी, अर्थात
तो संगत कोणों की माप कैसी होगी? समान होगी। अगर समान है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इम्प्लाइज करके, कोण बी बराबर है कोण पी के और कोण सी बराबर है कोण क्यू के। अगर कोण बी बराबर कोण पी है, कोण सी बराबर कोण क्यू है, इससे पहले हम कुछ लेके चल लेते बी के बारे में, बी बराबर है किसके एफ के। तो यहां मैं इसे बनाता हूँ समीकरण एक, इसे बनाता हूँ बच्चों में समीकरण दो। तो मैं लिखता हूं समीकरण एक व दो से, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मेरे को P को E के बराबर बता देना है। तो क्या बता सकता हूँ? B बराबर है P के और B ही बराबर है E के, तो E बराबर किसके हो जाएगा बच्चों? P के। तो कोण E बराबर हो गया कोण P के। वैसे C बराबर है Q के, C बराबर है F के, तो क्या Q बराबर होगा बच्चों कोण F के? तो आपको उत्तर होगा हाँ सर, कोण Q भी बराबर होगा कोण F के। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर मेरे को सिर्फ एक कोण चाहिए था, दोनों कोण नहीं चाहिए थे, ध्यान दीजिएगा। अगर कोण P और कोण E, मतलब D P Q, मैं इस कोण की बात कर रहा हूं, वैसे ही D E Q बराबर माप के हैं। कैसे हैं बच्चों? यहां बराबर माप के हैं। ध्यान दीजिए, P Q और E F एक रेखा है, D E एक तिर्यक रेखा है, बनने वाला ये वाला कोण और ये वाले कोण की माप बराबर होती है, तो PQ और EF कैसी होगी? तो आप कहेंगे सर PQ और EF समांतर होगी। कैसी होगी सर? समांतर होगी। कहां से? क्लास 9 से। ठीक है बच्चों, दोबारा रिपीट करता हूं, PQ और EF दो रेखाएं हैं, DE भी एक रेखाखंड या रेखा, ठीक है, बनने वाला ये वाला कोण और ये वाले कोण की माप कैसी है बच्चों? बराबर है। ये कैसे कोण है? संगत कोण है। अगर संगत कोणों की माप बराबर होती है तो PQ EF के क्या होगा? समांतर। तो जो PQ है वो समांतर होगा किसके बच्चों? EF के। अगर PQ EF के समांतर है, देखिए बच्चों PQ EF के समांतर है, तो PQ DE और DF को समान अनुपात में विभाजित करेगा। क्या करेगा बच्चों? समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो मैं लिख देता हूं DP अपॉन में PE बराबर होगा DQ अपॉन में QF। बच्चों मैंने कहा था एग्जांपल नंबर फर्स्ट को याद रखिएगा, क्यों? उसका यहां यूज होने वाला है। ध्यान रखिएगा बच्चों, DP तो बराबर है ना AB के और DQ बराबर है AC के, तो यहां से मैं चेंज कर दूंगा, पर मुझे PE नहीं चाहिए। मेरे को प्रूफ क्या करना था? भुजाएं संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, अर्थात मुझे प्रूफ करना था क्या? AB अपॉन में DE बराबर है AC अपॉन में DF बराबर है BC अपॉन में EF। यही तो मुझे प्रूफ करना था। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां तो सिर्फ PE है, होना क्या चाहिए था? पूरा का पूरा DE। तो ध्यान दीजिए, आप एग्जांपल नंबर फर्स्ट को एक बार स्टॉप करके पढ़िए, यदि PQ समांतर है EF के, तो आप ऐसा लिख सकते हैं क्या? DP अपॉन में DE बराबर होगा DQ अपॉन में DF। एक बार स्टॉप करके पढ़िए, मैं आशा करता हूं आपने स्टॉप करके पढ़ा होगा और आपने कहा होगा हाँ सर, अगर PQ EF के समांतर है तो हम लिख सकते हैं DP अपॉन में DE और DQ अपॉन में DF। तो मैं यहां भी ऐसा करता हूं, इंप्लाइज DP अपॉन में DE बराबर DQ अपॉन में DF लिख सकता हूं। अब मैं यहां पर DP बराबर किसके है? AB के है, तो मैं इसे समीकरण नंबर दो देता हूं, इसे समीकरण नंबर तीन देता हूं, और यहां पर मैं लिख देता हूं समीकरण एक व तीन से। अब अगले स्टेप पे आते हैं बच्चों, इससे अगले वाले पे, DP को आप समीकरण नंबर दो से क्या लिख सकते, किसके बराबर लिख सकते हैं? AB के बराबर, AB अपॉन में DE बराबर, ध्यान दीजिएगा AB किसके बराबर? AB अपॉन में DE। वैसे ही DQ बराबर किसके है? AC के, तो AC अपॉन में DE। क्या मैं इसमें से दो चीज ले आया? AB अपॉन में DE, AC अपॉन में DF। अभी तीसरी, क्या इसी प्रकार करके मैं, इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं? इसी प्रकार मैंने पहले ए बी सी को बिंदु, जो बिंदु हमारा शीर्ष ए था, इसको डी पर रखा था। अगर मैंने बी को ई पे रखा होता, किस पे रखा होता? बी को ई पे रखा होता। ए को मैंने जब डी पे रखा तो क्या आया? ए बी अपॉन में डी ई।
एसी अपॉन में डीएफ। यदि मैंने बी को ई पे रखा होता तो क्या आता, बीसी अपॉन में ईएफ और बीए अपॉन में ईडी, बीए अपॉन में ईडी। तो इसी प्रकार मैं लिख सकता हूं क्या, एबी अपॉन में डीई बराबर होगा किसके बच्चों, बीसी अपॉन में ईएफ। ये समीकरण नंबर अपना बन जाता है 3, 4 और ये 5। तो समीकरण नंबर 4 व 5 से आप क्या लिख सकते हैं, समीकरण 4 व 5 से आप क्या लिख सकते हैं, एबी अपॉन में डीई, एबी अपॉन में डीई बराबर है इसके भी और इसके भी, मतलब एबी अपॉन में डीई इन दोनों के क्या है, बराबर है। तो ये दोनों भी आपस में कैसी होंगी, बराबर। तो क्या लिख दूंगा मैं, एसी अपॉन में डीएफ ये बराबर है बीसी अपॉन में ईएफ। यही बच्चों हमें सिद्ध करना था, ये इसका मैथमेटिकल रूप भी है। आपको ये अगर दिया हुआ है कहीं तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। पर यहाँ पर हमारी थ्योरम नंबर 6.3 कंप्लीट होती है। आप एक बार इसे स्टॉप कीजिए और एक बार पूरे को पढ़िए बच्चों से। बच्चों मैं आशा करता हूं आपने इसे लिखा भी होगा और पूरे को पढ़ भी लिया होगा। अब हम थ्योरम नंबर 6.4 पर चलते हैं, कुछ ऐसी ही है वो भी, बस इसका उल्टा है। इसका क्या है बच्चों, उल्टा है। अब वो कैसे हल करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आप थ्योरम को पढ़िए, उसके स्टेटमेंट को, ध्यान दीजिएगा बच्चों। वो थ्योरम इसकी उल्टी है। वो थ्योरम क्या कहती है आपको, वो थ्योरम ये कहती है, अगर दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो संगत कोणों की माप बराबर होती है। अब कहां पर है, एक बार उसे देख लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, 6.4 थ्योरम क्या कहती है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती होती हैं, कैसी होती है बच्चों, समानुपाती होती हैं, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो इनके संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर। बच्चों एक लास्ट लाइन है जिसमें से मैं किसी में पढ़ नहीं जाता, वो थी क्या, तो त्रिभुज समरूप भी होगा। त्रिभुज कैसा होगा, समरूप। समरूपता की डेफिनेशन हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके थे। समरूपता की डेफिनेशन क्या थी, अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि और केवल यदि, जब उनके संगत कोणों की मान बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, तभी समरूप होंगे। यहाँ पर मैं एक की बात करता हूँ, दूसरा आ रहा है, मतलब मैंने बात करी थी पहले किसकी संगत कोण की माप बराबर होगी इससे पैरेलल थ्योरम में, तो भुजाएं कैसे थी, समानुपाती, तो त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, समरूप तो हम पूरा पढ़ ही रहे हैं, इस कारण मैंने वो वर्ड थोड़ा सा स्किप कर दिया था बीच के अंदर। अब ध्यान दीजिएगा, थ्योरम नंबर कौन सी दे रखी है बच्चों, 6.4 क्या दी हुई है, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तो संगत भुजाएं यदि समानुपाती हैं तो संगत कोण समान माप के होते हैं। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट है तो सेकंड वाला भी फॉलो होता है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये चीज आपको स्टार्टिंग से पता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने का तरीका, सबसे पहले उसका चित्र बनाते हैं, मतलब उसकी आकृति बनाते हैं। तो यहां पर दो त्रिभुजों की बात हुई तो मैंने भी कितने बना लिए बच्चों, दो त्रिभुज, ए बी सी डी ई और एफ। ये दो त्रिभुज हैं जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। माना, एक मिनट बच्चों, क्या नाम सेम ही है बुक वाले, ए बी सी और डी ई एफ और साथ में है पी क्यू, बाद में पी क्यू यूज करेंगे। माना
माना ए बी सी व डी ई एफ दो त्रिभुज है, त्रिभुज है जिनकी जिनकी संगत भुजाएं, जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं, अर्थात अर्थात ए बी की संगत भुजा हम मान लेते हैं डी है, ये बराबर है ए सी की संगत भुजा हम मान लेते हैं डी एफ है, ठीक है, और बी सी की संगत भुजा ई एफ है। अब बच्चों जो थ्योरम हमने अब तक पढ़ी है उसमें क्या है, एक ही त्रिभुज के अंदर कुछ इस तरह की आकृति बननी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ए बी सी जो छोटा वाला त्रिभुज है इसको इसके ऊपर रखता हूँ, मान लेता हूं ये यहां तक आता है। देखिए बच्चों मैंने दो बिंदु क्यों लगाए यहां पर, मैंने ए बी को नापा, किसको नापा ए बी को, किसको नापा बच्चों ए बी को, और मैंने ए बी की नाप के बराबर डी पी यहां नापा, मतलब क्या बोला मैंने ए बी के बराबर है डी पी और कुछ नहीं, कैसा मैं रख नहीं रहा हूं, लास्ट में मैंने रखा था, वैसे मैंने ए सी को नापा और डी एफ पर मैंने ए सी नापा जो कहां तक जाता है बच्चों क्यू तक, कहां तक जाता है बच्चों क्यू तक, इसके बाद में मैंने पी क्यू को मिला दिया। मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं कहा है कि ए कोण और डी कोण बराबर है, मैंने क्या किया सिर्फ बच्चों ध्यान दीजिएगा ए बी को नापा और उसे मैंने डी ई पर बिंदु पी तक पहुंचता है ए बी तो मैंने यहां पे बिंदु पी लगा दिया, वैसे मैंने ए सी को नापा और उसे यहां रखा तो ये डी क्यू तक पहुंचा, उसके बाद मैंने पी क्यू को मिलाया है, पी क्यू का मिलाया तो मैं लिखता हूं पुनः माना, पुनः माना ए बी बराबर है किसके बच्चों डी पी के व ए सी बराबर है बच्चों डी क्यू के। ध्यान दीजिएगा बच्चों पहली कंडीशन जो ये बोल के चलता है ए बी अपॉन में डी ई और ए सी अपॉन में डी एफ, ए सी अपॉन में डी एफ, मैं सिर्फ इन दोनों को लेके चलता हूं, इन दोनों ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी पता लग जाएगा आपको, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को ए बी सी को डी पी क्यू के सर्वांग सम दर्शाना है। कैसे दर्शाना है आपको सर्वांग सम, अब सर्वांग सम दर्शाने का तरीका मुझे सिर्फ भुजाओं के बारे में पता था कि ए बी डी ई ए सी और डी एफ, तो मैंने इन दोनों को यूज कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो मैंने क्या लिखा ए बी अपॉन में डी ई, ए बी अपॉन में डी ई के बराबर था ए सी अपॉन में डी एफ के। अब ए बी और ए सी का मान मैं यहां से पुट कर सकता हूं, तो आप कहेंगे हाँ सर इन दोनों का यूज आप कर सकते हैं, तो मैंने इसका और इसका यूज किया, तो मैं इसे देता हूं समीकरण नंबर एक समीकरण नंबर दो, तो मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों यहां पर ए बी की वैल्यू कितनी है डी पी अपॉन में डी ई बराबर है ए सी, ए सी का मान कितना है डी क्यू और अपॉन में डी एफ। बच्चों इस चीज को आप चित्र में देखिए क्या है डी पी अपॉन में डी ई और डी क्यू अपॉन में डी एफ, इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब क्या निकला, एग्जाम्पल नंबर फिर फर्स्ट पे आ जाइए। अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का उल्टा है डी पी अपॉन में डी ई बराबर है डी क्यू अपॉन में डी एफ, तो पी और पी क्यू ई एफ के समांतर है, तो पी क्यू ई एफ के क्या समांतर, स्टॉप कीजिए जब भी मैं कुछ ऐसा बोलूं कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को देखिए तो आप उसी टाइम पे स्टॉप कर लीजिएगा, आपको नहीं पता है तो उसे एक बार पढ़ लीजिए उसके स्टेटमेंट को, मतलब उसके सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, वहां है डी पी अपॉन में डी ई और डी क्यू अपॉन में डी एफ, अगर ऐसा है तो पी क्यू समांतर होगा किसके बच्चों ई एफ के, तो मैं क्या लिखूंगा तो पी क्यू समांतर है किसके बच्चों ई एफ के। ध्यान दीजिएगा बच्चों अगर पी क्यू समांतर है ई एफ के तो क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, मैं जिस पर टिक कर रहा हूं ये कोण और ये कोण क्या बराबर होंगे, तो आप कहेंगे हाँ सर बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है, कैसे कोण है सर संगत कोण है, क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, तो आपको उत्तर होगा हाँ सर ये भी है, क्यों, क्योंकि ये भी कैसे कोण है संगत कोण है, तो मैं लिख देता हूं इंप्लाइज करके या फिर इसलिए इसलिए इसलिए
कोण पी बराबर होगा कोण ई के, व कोण क्यू बराबर होगा कोण एफ के। आऊं बच्चों एक मिनट रुकिएगा, मैं बताता हूं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखो बच्चों दोबारा आते हैं, कहां तक पहुंच गए थे। dp अपॉन में de, dq अपॉन में df, अगर ऐसा है तो pq समांतर हो जाएगा किसके बच्चों, ef के। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब हमें करना क्या है, क्या मैं dpq को def के f के समरूप प्रूफ कर सकता हूं? तो आप बोलेंगे हां सर क्यों नहीं कर सकते हो आप, तीनों कोण, दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण, तीनों संगत कोणों की माप यदि बराबर है तो तीनों त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? तो कहेंगे सर समरूप होंगे, अगर समरूप है तो उनकी भुजाएं भी कैसे होंगी, समानुपाती होंगी। तो इसी का हम यूज करते हैं बच्चों, कोण P बराबर है कोण E के, कोण Q बराबर है कोण F के, यही चीज मैं लिखता हूँ, कोण P बराबर है कोण E के और कोण Q बराबर है कोण F के। क्या कोण D दोनों में उभयनिष्ठ है? तो मैं लिख देता हूँ कोण D बराबर है कोण D के, क्योंकि कैसा है ये उभयनिष्ठ है। अगर तीनों कोणों की माप, तीनों संगत कोणों की माप बराबर है, कौन कौन से त्रिभुज में, DPQ में और DEF में, DPQ में और DEF में, तो आप कहेंगे हाँ सर दोनों ही त्रिभुज ऐसी कंडीशन के अंदर DPQ और DEF कैसे हैं, समरूप हैं। कैसे हैं बच्चों? समरूप हैं, अर्थात त्रिभुज DPQ समरूप है त्रिभुज DEF के, बच्चों समरूपता का साइन है। अगर समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती होंगी। तो हम लिख देते हैं अगर संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो संगत भुजाएं मतलब DP और DQ बराबर होगा, सॉरी DQ गलत लिख दिया, DE आएगा। DP की संगत भुजा DE है, DP की संगत भुजा DE है, वैसे ही DQ की संगत भुजा DF है, और वैसे ही PQ की संगत भुजा बच्चों क्या है, EF है। ब्रैकेट में आप लिख देना संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, कैसी भुजाएं बच्चों, संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ये जैसे ही मैंने लिखा तो आप कहेंगे सर मैं DP का मान तो कुछ पुट कर सकता हूँ क्या AB? तो आप कहेंगे हाँ सर आप पुट कर सकते हैं, DP का मान आप AB पुट कर दीजिए। मैं फिर लिखता हूं समीकरण दो से, समीकरण दो से, समीकरण दो से, समीकरण दो से DP और DQ का मान इसमें पुट कर देते हैं। DP का मान कितना है बच्चों, AB, मैं लिखता हूं AB अपॉन में DE, AB अपॉन में DE। DQ का मान कितना है, तब कहेंगे सर AC है, AC अपॉन में DF, ध्यान दीजिएगा बच्चों, और PQ अपॉन में PF, EF को मैं एज इट इज रख देता हूं, पुट कर देता हूं। अब ध्यान दीजिए बच्चों, फिर समीकरण नंबर एक पे आते हैं, AB अपॉन में DE, AB अपॉन में DE, AC अपॉन में DF, AC अपॉन में DF, ये बराबर है BC अपॉन में EF के, तो मैं क्या इन दोनों को BC अपॉन में EF के बराबर लिख सकता हूं? तो आपको उत्तर होगा हाँ सर लिख सकते हैं। तो फिर मैं लिखता हूं AB अपॉन में DE बराबर है AC अपॉन में DF, और ये बराबर था BC और EF के, BC और EF के, BC और EF के। तो यहां से क्या पता लगता है कि जो PQ है वो बराबर किसके है, BC के। तो मैं कह सकता हूं तो PQ बराबर है बच्चों किसके, BC के। अगर PQ बराबर आ गया BC के तो मैं क्या कहूंगा, आप कहेंगे सर PQ बराबर आ गया BC के,
ए बी डी पी बराबर था ए सी बराबर था डी क्यू के। तो त्रिभुज ए बी सी की तीनों भुजाएं पी डी पी और क्यू के तीनों भुजाओं के बराबर है। बराबर है तो मतलब समानुपाती भी है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ए बी सी और डी पी क्यू यहां से क्या निकला, ए बी सी और डी पी क्यू। तो मैं यहां लिखूंगा इसलिए इसलिए त्रिभुज ए बी सी ए बी सी ए बी सी कौन से के साथ में, डी ई डी एफ और ई एफ, डी ई डी एफ और ई एफ। ध्यान दीजिएगा पी क्यू बराबर आया बी सी के, मैं इस लाइन का यूज करूंगा अब पी क्यू और बी सी। साथ में मैं एक और लाइन का यूज करूंगा समीकरण नंबर दो का, जिस पे मैंने बॉक्स बनाया समीकरण नंबर दो और समीकरण नंबर बच्चों इसे दे देता हूं मैं कौन सा तीन। समीकरण नंबर दो और तीन से आप क्या कह सकते हैं, तो आप कहेंगे सर ए बी सी अगर तीनों भुजाएं त्रिभुज की समान है तो दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। तो ए बी सी सर्वांग सम है डी पी और क्यू के, डी पी और क्यू के। तो ए बी सी सर्वांग सम है किसके बच्चों, डी पी और क्यू के। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा समीकरण दो व तीन से। जैसे आपने ये लिखा समीकरण दो और तीन क्या कहते हैं, ए बी बराबर है डी पी के, चित्र में देखिए ए सी बराबर है डी क्यू के, पी क्यू बराबर है बी सी के। तो दोनों त्रिभुज ए बी सी और डी पी क्यू कैसे होंगे बच्चों, सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम होंगे तो इनके संगत कोणों की माप कैसी होगी, तो आप कहेंगे सर वो बराबर होंगे। अगर संगत कोणों की माप बराबर है तो आप कहेंगे सर जो कोण बी है, जो कोण बी है वो बराबर होगा कोण पी के, और कोण सी है ये बराबर होगा कोण क्यू के, और ऐसे ही कोण जो ए है ये बराबर होगा कोण डी के, कोण डी के। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों दोबारा से, कोण पी बराबर आ गया था ई के, कोण पी किसके बराबर आ गया था, देखिए बच्चों कोण पी बराबर हो गया था बच्चों ई के। ये मैंने लिखा था एक और बॉक्स, मैं इसे देता हूं समीकरण नंबर तीन, इसे देता हूं चार। तो बस यहां पर एक चेंज करना होगा समीकरण चार से। अब मैं लिखता हूं मेरे को बराबर बताना था कोण बी को कोण ई के, कोण सी को कोण एफ के। देखिए बच्चों जो ये है कोण बी बराबर है कोण पी के, और कोण पी बराबर है कोण ई के, पी बराबर है ई के, पी बराबर है बी के। तो क्या ई और बी बराबर होंगे, तो आपको उत्तर होगा हाँ सर दोनों के दोनों बराबर होंगे। तो मैंने लिखा कोण बी बराबर है कोण ई के, वैसे ही कोण क्यू बराबर है एफ के, और क्यू बराबर है यहां पर सी के। तो क्या एफ और सी बराबर होंगे, तो आपको उत्तर होगा हाँ सर कोण सी और कोण एफ भी कैसे होंगे सर, बराबर होंगे। कोण डी तो डी के, कोण डी यहां पे डी के बराबर था, और कोण ए बराबर था डी के। तो क्या कोण ए बराबर डी के होगा, हाँ सर ये भी बराबर होगा। तो यहां लिख दीजिएगा बच्चों समीकरण तीन से, क्या हमें यही प्रूफ करना था, संगत कोण समान माप के होते हैं, बी का संगत कोण ई था, मुझे बराबर प्रूफ करना था, हो गया। कोण सी का संगत कोण एफ था, ये भी हो गया। कोण ए का संगत कोण डी था। बच्चों एक बार स्टॉप कीजिए और इसे पढ़िए और फिर इसे लिखिएगा। बच्चों मैं आशा करता हूं आप इसे घर से पढ़ेंगे, पूरी थ्योरम्स को पढ़ेंगे, पूरे के पूरे आप इनके मैथमेटिकल जो गणितीय रूप है उनको पढ़ेंगे। इसके बाद में आपको थ्योरम के स्टेटमेंट्स याद होंगे अपनी लैंग्वेज में, कहीं लिखना नहीं होगा आपको स्टेटमेंट को, बट आपको उनकी अपनी लैंग्वेज में याद होने चाहिए। दूसरी चीज पे आते हैं बच्चों, अभी थ्योरम बचेगी सिर्फ पांच, और पांच में से एक थ्योरम कन्फर्म आएगी, पांच में से एक थ्योरम, दो 6.2 के अंदर थी, तीन थ्योरम 6.3 में। तो तीनों थ्योरम के प्रूफ्स आपको याद होने चाहिए, सॉरी पांचों थ्योरम्स के प्रूफ्स आपको याद होने ही चाहिए किसी भी सूरत में। अब आती है बच्चों दूसरी बात, वो क्या आती है, अगर आप थ्योरम के साथ में क्वेश्चंस भी करते हो, कि एनसीईआरटी कुछ फिक्स नहीं होता है कि थ्योरम आए और अथवा में एक क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है दोनों क्वेश्चन आ जाए, तो कोशिश कीजिएगा साथ में सभी क्वेश्चंस को भी आप पूरा पूरा करते चले। बच्चों आज का काम आपका सिर्फ दोनों थ्योरम को पढ़ना है और कुछ नहीं है इसके अलावा। और अगर आप क्वेश्चन कर सकते हैं खुद से तो बहुत अच्छी बात है, इनको अप्लाई करके तो आप कर लीजिएगा, वरना आज आप सिर्फ इन दोनों थ्योरम
आपको प्रॉपरली याद करके आएंगे, प्रॉपरली आपको इनको प्रूफ आने ही चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।